हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन लागू, शादियों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे, संडे कर्फ्यू केवल शहरों में, बताना होगा दोनों डोज लगी है या नहीं। जयपुर, राजस्थान में सोमवार से कोरोना की संशोधित गाइडलाइन लागू हो गई है, शादियों में 100 मेहमान शामिल हो सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार ने 50 मेहमानों तक की संख्या सीमित कर दी थी। कुछ दिन पहले ही सीएम की रिव्यू बैठक के बाद संशोधित गाइडलाइन जारी की गई थी। अब शादियों में शहर और गांव दोनों में बराबर लिमिट रहेगी। 100 लोगों की लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है। पुरानी गाइडलाइन में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 जबकि शहरी क्षेत्रों की शादियों में 50 लोगों की लिमिट थी। गृह विभाग ने 20 जनवरी को संशोधित गाइडलाइन जारी कर शादियों में सोमवार से मेहमानों की लिमिट बढ़ाने का प्रावधान किया था। अब इस सप्ताह में वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक केवल शहरी सीमा में ही होगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रदेश भर में लागू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू में 14 कैटेगरी को पहले दी गई छूट जारी रहेगी। किराना की दुकानें, फल सब्जी मंडी और इसकी दुकानें, दूध डेयरी, मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी। 1 फरवरी से सभी बाजारों, दफ्तरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने यहाँ काम करने वालों कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की सूचना सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर लगानी होगी। जिन दफ्तरों, बाजारों और प्रतिष्ठानों पर यह सूचना बोर्ड पर नहीं होगी, उनके खिलाफ महामारी एक्ट में कार्यवाही होगी। बाजार पहले की तरफ ही रात 8 बजे से बंद करने होंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शादी समारोह के अलावा बाकी किसी प्रावधान में छूट नहीं दी जाएगी। गाइडलाइन में लगाई गई पुरानी पाबंदियों अगले आदेशों तक जारी रहेंगी। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट में कार्यवाही होगी। दुकानदार और ग्राहक दोनों के मास्क में होना अनिवार्य है। बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान बेचने पर ₹500 जुर्माना होगा। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।